हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, बिहार इंटर लेवल भर्ती की जो एक बड़ी खुशखबरी लेकर, बिहार इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है उससे एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। देखिए क्या खुशखबरी है, वो आप लोग के बीच में साझा करना। सीट बढ़ोतरी परीक्षा तिथि देखिए कि इसकी कब होगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बिहार इंटर लेवल वाले विद्यार्थी के लिए देखिए, जो कि इनकी जो है उनके लिए खुशखबरी का माहौल है, चूँकि सीट आपकी बढ़ोतरी होगी और परीक्षा तिथि सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप इस सेशन चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कब तक इनकी क्या है न है, कितनी सीट बढ़ेगी, कब तक एग्ज़ाम होगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, टोटल पद पहले कितनी निकली थी, 11,099 पद निकली थी। 11,099 पद निकली थी, टोटल बढ़ के कितनी हो गई, प्लस 1100 प्लस और बढ़ गई तो 12,199 पोस्ट हो गई। तो 1299 पोस्ट हो गई। और देखिए ये आपकी कब, 1 जनवरी 2025-24 तक का डाटा मांगा गया है। इसमें 8,000 पोस्ट आपकी बढ़त हो सकती है, कितनी, 8,000 पोस्ट बढ़त हो सकती है। लेकिन ये आपका इन्फॉर्मेशन कब आ सकता है, देखिए तो ये आपका 20 दिसंबर तक आपका क्लियर हो जाएगा, पोस्ट कितनी बढ़ेगी, क्या होगी, नहीं होगी। तो एक अनुमान है कि 2500 से लेकर 2000 के आसपास सीट बढ़ेगी, और 20,000 तो नहीं होगी लेकिन फिर भी 8,000 सीट लगभग दिखा रहा है। तो अब वैकेंसी की बात करते हैं, तो वैकेंसी आपकी 2014 में आई थी। कब आई थी वैकेंसी, 2014 में आई थी। उसके बाद फिर देखिए 2023 में आई, कितने साल के बाद आई आप सोच सकते हैं। तो देखिए 14 की वैकेंसी 2023 में आई है, तो आप सोच सकते हैं बिहार की वैकेंसी कितनी है। अब रही आपकी एग्ज़ाम की डेट, और देखिए इसमें जो है आपकी एग्ज़ाम की ये जो वैकेंसी फॉर्म की फिलअप, इसकी लास्ट डेट थी 11 नवंबर तक, 11 नंबर तक इसकी लास्ट डेट थी। अब कर दे करके क्या कर दिया, 9 दिसंबर तक कर दिया, कितना, 9 दिसंबर तक। अभी भी यदि जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म जाके भर लें, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो सब भी सोच सकते हैं कि बिहार में नौकरी की अभी बाहर लगी हुई है, तो इसमें आराम से 2024 तक आपकी ज्वाइन लग सकती है। चलिए आगे देखिए, इसकी एग्ज़ाम की बात करता हूँ, तो एग्ज़ाम देखिए आपकी कब तक होगी, तो चलिए उसके बारे में हम बताते हैं एग्ज़ाम आपका कब। तो देखिए आपकी एग्ज़ाम जो है, उम्मीद तो है कि मार्च में आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी, मार्च में एग्ज़ाम ले ली जाएगी। टोटल आपके पास देखिए कितनी दिन बची हुई है, तो आप यदि देखेंगे तो आपकी फरवरी की जो बात होती है, तो फरवरी में आपकी एग्ज़ाम चलती है मैट्रिक और इंटर की, 1 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम और 21 से लेकर 22 फरवरी तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी। और आपकी ये मार्च में यदि एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो मान लीजिए मार्च, ये तो कंफर्म हम नहीं बता सकते कि मार्च में भी एग्ज़ाम हो सकता है, उससे पहले ले लिया जाए, क्योंकि हम नीतीश कुमार तो हैं नहीं या भगवान तो हम हैं नहीं कंफर्म बता दें, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस आई नहीं है। फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में आपकी एग्ज़ाम, यदि मार्च में एग्ज़ाम होती है तो आपके पास कितनी समय बचती है। देखिए फरवरी आपकी, दिसंबर 20 दिन बची हुई है, जनवरी 30 दिन, उसके बाद फिर फरवरी 30 दिन, 30 30 कितना हो गया, 80 दिन टोटल आपके पास समय है। तो आपके पास देखिए काफ़ी समय, 80 दिन में आप अच्छे कर सकते हैं। यदि नए स्टूडेंट हैं तो कम से कम एक मॉक टेस्ट कोशिश करें कि पर डे लगाएं, अब पुराने हैं तो 2 3 जो जितना कम से कम 2 लगाएं। वो ये नहीं सोचे कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, जी नहीं, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी आकलन हो जाएगी कितनी आपकी नंबर आ रही है, क्या उससे आपकी पढ़ाई का जो स्कोरिंग है और पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब कि अच्छा कर सकता है। आपकी जो सेक्टर थोड़ी सी वीक है उसको देखिए, तो आप देखिए मैथ की बात है, मैथ में आप 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग आपकी 50 क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है जीके की आपकी कितनी है, 50 है, और साइंस से आपकी 25 क्वेश्चन ली जाएगी। तो मैंने सिलेबस तो सबको ही पता हो, तो थोड़ी जोर शोर से लग जाइए और आप कोशिश करिए इस फरवरी में आपकी 2024 में, चूँकि ये जो वैकेंसी देखिए कितनी, 14 के बाद फिर 23 में आई है, कितनी दिन के बाद आई है, और 2024 मान लीजिए आपके लिए बाहर है, मान लीजिए आप लोग कन्फर्म एक सीट अपना कन्फर्म कर लीजिए। चलिए आई होप आप सभी को सेशन पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।